आगामी नवरात्रि के अवसर पर मां की आराधना के साथ डांडिया धमाल का आयोजन गोप सेलिब्रेशन हॉल हाजीगंज में भव्य रूप से किया जा रहा है, जिससे पटना सिटी के दर्जनों विद्यालयों के बच्चे ग्रुप डांडिया प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे एवं ओपन डांडिया कंपटीशन भी होगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता रामजी योगे, संजू सिंह, डॉक्टर विनोद अवस्थी, नुपुर मारवारी, समीर रोहतगी और अमित खत्री ने बताया कि सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा पहली बार 20 अक्टूबर को डांडिया धमाल के लिए लोग उमंग और जोश के साथ धमाल मचाएंगे। वहीं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 50 वर्ष की महिलाओं का ग्रुप डांडिया कंपटीशन में डांडिया संघ थिरकेगा। इस कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट के रूप में आईपीएस विकास वैभव, भोजपुरी एक्टर सह निदेशक दीप श्रेष्ठ, भोजपुरी अभिनेत्री पिंकी सिंह समेत कई समाज सेवी व राजनीतिक लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लकी ड्रॉ में चांदी के सिक्के व कई आकर्षक पुरस्कार होंगे। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस मौके पर संजीव सिन्हा, करण कुमार विकी, मनोज केसरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। पटना सिटी के गोप सेलिब्रेशन हॉल में आगामी 20 तारीख को आयोजित होने वाले डांडिया कार्यक्रम के लिए प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, यह जो आयोजन है वो सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है और यह डांडिया का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में दो तरह से कार्यक्रम होगा, एक तो छोटे बच्चों के लिए जो स्कूली बच्चे हैं उनका कंपटीशन है डांडिया का, और दूसरा जो है ओपन डांडिया का कंपटीशन होगा या डांडिया नृत्य होगा। और इसमें आईपीएस विकास वैभव सहित कई समाज सेवी और राजनीतिक व्यक्तित्व और जो गणमान्य अतिथि है उनका आगमन होगा। और यह डांडिया जो है सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से हो रहा है और इसमें निरंतर जो है सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से समीर रोहतगी और अमित खत्री ये लोग लगे हुए हैं। और हम समझते हैं कि इस तरह का जो आयोजन है नवरात्र के पावन अवसर पर, तो पटना सिटी के लिए यह एक विशेष आयोजन माना जा सकता है, क्योंकि सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो लगातार कई वर्षों से अपने सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्वों के तहत अपने निर्वहन को हमेशा निभाता रहा है और उस कड़ी में ये एक अच्छा जो है कार्यक्रम रखा जा रहा है। और मैं यह चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम में पटना सिटी के जो लोग हैं, पटना के जो लोग हैं, वो जरूर भाग लें, अवश्य इसमें आए। और जो सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन का यह प्रयास है उसको वो अपने आ करके अनुग्रहित करें, ताकि सौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन आगे भी इस प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक दायित्वों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों के बीच करता रहे। धन्यवाद। डांडिया कार्यक्रम पटना सिटी में रखी जा रही है, तो कहते हैं कि माता की जगराता के लिए सबसे अनूठा चीज है डांडिया खेलना, जो गुजरात से पटना सिटी की धरती पर आई है और सर्वप्रथम कृष्ण और राधा की जोड़ी ने डांडिया खेलकर लोगों को प्रेम का एक संदेश दिया है। तो ये माता रानी को जगाने के लिए भी डांडिया कार्यक्रम रखी जा रही है, क्योंकि माता को बुलाने के जो उद्देश्य है वो डांडिया में छुपी हुई है। कहीं गड़वा के नाम से जानते हैं तो कहीं डांडिया के नाम से जानते हैं। तो मस्ती और धमाल जीवन में सात रंगों का तालमेल है, उसी तरह हम लोगों को भी ये तालमेल लेकर चल रहे हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे अपने घरों में स्कूल से आते हैं और वो कुछ खेलना चाहते हैं, खेल खेल में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये डांडिया कार्यक्रम रखी गई है। और इसमें समीर रोहतगी और अमित खत्री जी का योगदान है, इन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, गरीब महिलाओं की भी उन्होंने राखी के कार्यक्रम में भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं पटना सिटी में। तो एक इनका एक अनूठा ये पहल है जो महिलाएं अपने घर में पति को खाना बनाकर खिलाती, उनके लिए बहुत अच्छी मौका है और वो डांडिया खेले और एक जो है संगीत के माध्यम से ईश्वर को जगाने का पहल की जा रही है। तो आइए हमारे साथ और हमारे सेलिब्रेशन में हो रहा है ये कार्यक्रम, तो इसमें जो है भोजपुरी कलाकार भी आ रहे हैं और वो आप लोगों के बीच में रहेंगे। सेल्फी लीजिए, डांस कीजिए उनके साथ
तो बहुत ही मनोरंजन कार्य होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि पटना सिटी की तमाम महिलाएं जो अपने पति के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं, वैसी प्रतिभागी इसमें भाग लें और वो अपनी जीत हासिल करें। सौर भारत वेलफेयर के तरफ से ये एक बहुत बड़ा पहल है कि इन्होंने सामाजिक कार्य हर तरह का पटना सिटी में किया है। और एक माँ दुर्गे का ये समय चल रहा है दशहरा के शुभ अवसर पर, डांडिया के माध्यम से छात्र छात्राओं को भी एक डांडिया करने का मौका मिलेगा, उसमें प्रोत्साहन स्कूल के बच्चों को भी मिलता है, साथ ही साथ 50 के आसपास से 50 से ऊपर महिलाओं जो घर गृहिणी के रूप में रहती हैं उनके लिए भी एक माध्यम है जो डांडिया को कर करके माँ दुर्गे की आराधना साधना प्रार्थना के लिए किया जाता है। कृष्ण भगवान के ये डांडिया दिया हुआ वरदान में चला आ रहा था, राधा और कृष्ण के साथ के रासलीला डांडिया के माध्यम से हुआ था। गुजरात से पटना सिटी में इस तरह का कार्यवाही हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। आइए हम डांडिया में अपनी शौर्य दिखलाएं कि हम किस तरह के डांडिया कर सकते हैं, और यहाँ तरह तरह की गिफ्ट आइटम है, अच्छी डांडिया कीजिए और गिफ्ट प्राप्त कीजिए। शौर्य भारत न्यूज की तरफ से ये कार्यक्रम है, बहुत खुशी की बात है। पटना सिटी की तमाम महिलाओं से आग्रह करते हैं कि डांडिया आइए, गोप सेलिब्रेशन में पहुंचिए और अपनी डांडिया दिखलाइए। सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन को के द्वारा आगामी 20-10 को खस्ती के पावन पर्व के मौके पर, नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर जो आप डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, उसमें हमारे बिहार के बड़े बड़े कलाकार, भोजपुरी सिने स्टार, हमारे राजनीतिक दल के नेता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ समाज के अन्य वर्गों से जुड़े हुए बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये सच माना जाए तो पटना सिटी में एक प्रकार का ये नया कार्यक्रम है, और मैं इस कार्यक्रम के लिए सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।